आज फिर सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना हुआ भयंकर सस्ता। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MCX गोल्ड अपडेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सोने और चांदी में कितनी उछाल और कितनी गिरावट आई है, वो साथ में 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट का सोने और चांदी का आज का अभी का ताज़ा भाव भी बताएंगे। दोस्तों उससे पहले अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बड़े राज्यों में आज सोने के भाव क्या है। आज चेन्नई में एक तोला सोने का भाव है 48,610 रुपये, मुंबई में एक तोला सोने का भाव है 47,380 रुपये, दिल्ली में एक तोला सोने का भाव है 50,680 रुपये, कोलकाता में एक तोला सोने का भाव है 49,500 रुपये। अब जान लेते हैं पूरे भारत में आज चांदी के भाव क्या है। आज के 1 ग्राम चांदी का भाव है 63 रुपये, 8 ग्राम चांदी का भाव है 504 रुपये, 10 ग्राम यानी एक तोला चांदी का भाव है 630 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव है 6,300 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 63,000 रुपये। दोस्तों आज चांदी प्रति किलोग्राम के हिसाब से 600 रुपये सस्ता हुआ है, कल भी 200 रुपये सस्ता हुआ था। अब जान लेते हैं दोस्तों 22 कैरेट वाले सोने का आज का अभी का ताज़ा भाव। आज के 1 ग्राम सोने का भाव है 4,645 रुपये, 10 ग्राम यानी एक तोला सोने का भाव है 46,450 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव है 4,64,500 रुपये। दोस्तों आज 22 कैरेट वाला सोना प्रति 100 ग्राम 1,200 रुपये सस्ता हुआ है, कल भी 2,000 रुपये सस्ता हुआ था। अब जान लेते हैं दोस्तों 18 और 24 कैरेट के हिसाब से आज सोने के भाव क्या है। उससे पहले दोस्तों अपने राज्य के नाम हमें कॉमेंट कर जरूर बता दे। तो चलिए जान लेते हैं 18 कैरेट के हिसाब से आज एक तोला सोने का भाव है 37,550 रुपये। तो चलिए जान लेते हैं 24 कैरेट के हिसाब से आज का अभी का ताजा भाव क्या है। आज का 1 ग्राम सोने का भाव है 5,068 रुपये, 10 ग्राम यानी एक तोला सोने का भाव है 50,680 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव है 5,06,800 रुपये। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।